वेलकम टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग वॉक पर हूँ। तकरीबन 6:15 हो रहे हैं सुबह के। तो लो भैया, आज मम्मी बना रहे हैं पाव भाजी। भाजी हो गई है तैयार, प्लेट से एकदम रेडी सैलेड के साथ। और ये रहे पाव और मक्खन, मस्त एकदम। सो आजकल जिम तो हैं बंद, और इस वजह से सुबह मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। मेरे पास यही साइकिल है, और आधा घंटा तकरीबन 30-35 मिनट मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ। और साइकिलिंग के दौरान फ़िलहाल आजकल मैं खेल लेता हूँ ये वीडियो गेम इस कंट्रोलर के साथ, जो निर्देशक राव ने, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं वो, उन्होंने ये गिफ्ट किया नए स्टूडियो सेटअप के लिए। तो जाइए, जल्दी से सर्च कीजिए YouTube पे निर्देशक राव, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स टू हिम, बहुत ही अमेजिंग कंट्रोलर है। और WWE 2K19 ये आप स्टीम से भी परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपको ये खेलना है, वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वीडियो गेम्स कम खेलें अगर आप एक प्रोफेशनल म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। बट हाँ, जब आपको कोई वर्कआउट करना है या कुछ करना है, क्योंकि जिम में भी मेरा आप लगा लीजिए 1-1.5 घंटा तो मैं जिम लगाता ही था, तो वो अब जिम बच रहा है। बाहर आपको मालूम है, जब मैं बाहर जाता हूँ इस रूम से बाहर, हॉल में मेरा बेंच है, डंबल्स हैं, और थोड़ी बहुत और छोटे मोटे इक्विपमेंट हैं, तो वहाँ मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। और आधा घंटा जो है मैं यहाँ पे साइकिलिंग कर लेता हूँ। ये है बॉक्स इस नए कंट्रोलर का, और ये मेरा लैपटॉप है। आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ करता हूँ। मैं प्रीडेटर यूज़ करता हूँ एसर का। ये i7 है, आई थिंक 8th या 9th जनरेशन है शायद i7। 16 GB इसकी रैम है, और 1 TB हार्ड डिस्क है, और SSD पता नहीं 128 है, पता नहीं 256 है, मुझे याद नहीं। सो काफ़ी अच्छा पावरफुल लैपटॉप है। घर में मैं इस लैपटॉप पे ही काम करता हूँ, विंडो बेस्ड में काम करता हूँ। घर में मैं विंडो बेस्ड ऑडियो वर्क स्टेशन ही यूज़ करता हूँ, जो आपको मालूम ही है। एकूसिक शीट्स हैं, आपको मैंने पहले भी दिखाई है, जो मैंने अपने कमरे में कर रखी है। ये मेरा होम सेटअप है, और यहाँ पर कैलेंडर है जिसमें मैं मेन चीज़ें जो हैं वो नोट कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल जो मंथ है वो शुरू ही हुआ है, तो मैंने इस तरह का इसलिए अमेज़ॉन से काफ़ी देखने बाद ये परचेज़ किया था कि यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। किसी का प्रोजेक्ट फिनिश करना हो, किसी का कुछ करना हो, और कभी अगर मुझे अपने फिटनेस गोल्स भी अचीव करने हो, तो मैं एक डेट डाल लेता हूँ कि इस दिन इतनी कैलोरी होगी, इस दिन इतनी कैलोरी होगी। तो लो भैया, फैब वालों की तरफ से पार्सल भी हमारा आ गया है। देखते हैं उन्होंने क्या भेजा है। क्या बात है, दिस लुक्स प्रीटी अमेजिंग। तो दोस्तों, फैब का अल्फोंसो मैंगो, तो चलिए एक बार इसे खोल के भी देखते हैं, चेक करते हैं। सर्विंग पैकिंग तो बहुत जबरदस्त लग रही है। ओहो हो हो, क्या बात है, वाह। कैरी करना कितना आसान है, अपने ऑफिस लेके जा सकते हैं, अपने स्टूडियो लेके जा सकते हैं। तो अभी स्टूडियो जाते वक्त एक तो ये मेरे बैग में होने वाला है आज डेफिनेटली। भाई मैं आपको बता दूं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, ऐसा लग रहा है कि आम ही घोल लिया है। और अभी तो मैंने पानी में डाला है, अगर आप दूध में डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम मैंगो शेक बन गया है। तो बहुत ज़बरदस्त है, सुपर इम्प्रेस्ड। वर्कआउट इज़ डन, पानी की बॉटल्स रेडी कर लूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नहीं, मुझे याद नहीं, बट ये मैंने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन परचेज़ किए थे, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बस ऐसे दरवाजे में फिक्स हो जाता है, और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, सो इससे बाइसेप कर सकते हैं, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, हर तरह का वर्कआउट इससे हो जाता है। सो पोस्ट वर्कआउट मील लूँगा, उससे पहले 5 मिनट का रीडिंग सेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है डेली लाइफ में।
तो लो दोस्तों खाना खा लो। इसमें मैं आपको बताऊं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है दही कर्ड, फिर है बनाना, और है ओट्स, और है रेजिन्स जो है कि किशमिश, बादाम, राइस केक्स और अखरोट। ये सब चीज़ें मिलाकर बना है मेरा ज़बरदस्त भोजन। ऐसी आती है ताकत, ऐसी होता है जिम। जिम तो है फिलहाल बंद, वर्कआउट घर पे ही चल रहे हैं। और ये आपको बता दूं एटम एसक्यू प्रिसोनस का इसका भी लेक्चर बहुत जल्दी आने वाला है, जब भी मुझे वक्त मिलेगा। हो सकता है स्टूडियो वन की सीरीज़ के अंदर ही मैं इसके बारे में डिस्कशन करूँ। बहुत ज़बरदस्त टूल है, बहुत ज़बरदस्त। जिन लोगों का भी बजट 20,000 के अप्रॉक्सीमेटली है और जो मुझे पूछते हैं कि रोड एंटी 1A लें, ल्यूइट 440 लें, कौन सा लें, मैं आपको सबको रेकमेंड करूंगा ल्यूइट 440, क्योंकि साउंड क्वालिटी तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। जब मैंने अनबॉक्स किया था तब भी आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव साउंड थी इसकी। 20,000 तक की रेंज में ऐसी साउंड मैंने किसी माइक्रोफोन की फिलहाल नहीं सुनी जो कंप्लीट थी, एकदम बैलेंस्ड साउंड थी। उसके अलावा हम बात करें तो मैग्नेटिक शील्ड भी मिलती है और एक ये शीट भी मिलती है, माइक ऐसा नीचे आप देख रहे हैं, और इतना अच्छा ज़बरदस्त नए ज़माने का एकदम शॉक माउंट भी मिलता है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। सो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ल्यूइट 440 प्योर। अगर आपकी रेंज ये है 19-20 हज़ार, मैं इसे रेकमेंड करूँगा। और दोस्तों हमारे पास आए हैं रिक हार्ट, और ये लेके आए हैं हमारे एडम A77X के लिए कस्टम बिल्ट स्टैंड्स, जो जाएंगे हम स्टूडियो और वहां जाके जल्दी से करेंगे इसको फिक्स और वहां जाके इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। चलते हैं स्टूडियो। सरकारी बंदे दो गले ते जाली ने, अमीर लोकी बेच दे ना मास्क महंगे बेच दे जमीर, सैनिटाइज होने हाथ मन रह जाना या काला किवें तोवेगा तू, दाग चिट्टा रह गया या लीर। सरकारी बंदे दो गले ते जाली ने, अमीर लोकी बेच दे ना मास्क महंगे बेच दे जमीर, सैनिटाइज होने हाथ मन रह जाना या काला किवें तोवेगा तू, दाग चिट्टा रह गया या लीर। लो दोस्तों बैक टू स्टूडियो। सो अभी एक लाइव सेशन था YouTube के ऊपर, आई होप कि आप में से काफी लोगों ने देखा होगा, और मैं कोशिश करता हूं आजकल कि लाइव में आता रहूं। ओहो आर्म्स देखो, आप इधर देखो, ये आया, क्या बात है। तो मैं कोशिश करता रहता हूं आजकल मैं आपके साथ लाइव आता रहूं, क्योंकि कुछ क्लासेस हो गई, फिर कुछ सेशंस हो गए, कुछ आर्टिस्ट वगैरह हो गए, मीटिंग हो गई, और जैसे ही घर जाने से पहले मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन रख लूं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जल्दी ही मैं और लाइव सेशन ज़रूर रखूंगा। फिलहाल आज काफ़ी लंबा लाइव सेशन था, 1 घंटे का हो गया था, तो आप ये टी शर्ट से पहचान भी लेंगे कि कौन सी लाइव सेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे जो स्पीकर हैं एडम A77X, अगर आप देखें फिलहाल मैंने टेबल के ऊपर ही रखे हुए थे, क्योंकि जगह जो है वो खाली रखी हुई थी, यहाँ पर स्टैंड आने थे। सो फाइनली हम स्टैंड ले आए हैं, आइए लगाकर देखते हैं। तो ये हैं स्टैंड कस्टम बिल्ड, बहुत हैवी, तकरीबन 10-12 किलो के हैं ये, और मैट इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त पेंट किया है, जो कारों के ऊपर होता है प्रॉपर उस क्वालिटी का हुआ है इसके ऊपर पेंट, डुअल कोट है। सो फाइनली आप देख रहे हैं कि स्टैंड के ऊपर आ गया है, और ये हाथ मेरे स्टूडेंट हाइक स्टाइल का है, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं एकदम सही सेटअप करने में यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मालूम है जैसे मैंने बताया एक परफेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, नहीं भी बनता तो एक स्वीट स्पॉट अपने हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं अपने रूम में, कान सेट होने की ही बात है। काफ़ी हैवी है ये, 10-12 केजी का ये स्टैंड है, और स्पीकर ताकि प्रॉपर इसके ऊपर आ जाए। मैंने टेस्ट कैसे किया था, पहले मैं इसके ऊपर खुद बैठ के देखा था, अगर ये 80-90 किलो को झेल सकता है तो स्पीकर को डेफिनेटली कर पाएगा। सो स्पीकर तो अपने एकदम ज़बरदस्त लग रहे हैं, और लाइटिंग भी एकदम ज़बरदस्त हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, स्टैंड आपको दिखा ही दिए, चलते हैं वापस। तो चलिए चलते हैं घर। चलो चलें। ठीक है दोस्तों, व्लॉग यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और लेक्चर किसी और व्लॉग में, तब तक लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट, नमस्ते। सरकारी बंदे दोगले ते जाली ने, अमीर लोकी बेच दे ना मास्क महंगे बेच दे जमीर, सैनिटाइज होने हाथ मन
ਕਿਵੇਂ ਧੋਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਦਾਗ ਚਿੱਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾ ਲੀਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੱਟੇ।